जैन साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके भी आंसर करने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, काफी सारे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं जो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बारे में। साथियों, बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर काफी परेशान हैं, तो रिजल्ट उनका बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाएगा। कॉपियां उनकी बहुत जल्दी से चेक हो रही हैं, जो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम कराए गए थे। दूसरा, बीएड के प्रैक्टिकल को लेकर बच्चे परेशान हैं कि बीएड का प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा, कब तक होगा। तो बीएड के प्रैक्टिकल के लिए जो यूनिवर्सिटी ने जो कॉलेजों के ऊपर चीजें छोड़ी हुई हैं, तो उसके लिए आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लीजिए और अपनी जो फाइल है, अपनी फाइलें वगैरह वो सब सारी चीजें अपनी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल किसी कारणों से नहीं भी होते हैं तो प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सब सारी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके लिए आपका इंटर्नशिप लेटर है, प्रैक्टिकल फाइल है, ये सब आपको अपने कॉलेज में सबमिट करा देनी है। तो ये आप अपने कॉलेज में संपर्क जरूर कर लीजिएगा जहां से आप अपना बीएड कर रहे हैं। इससे आगे बात करें आज की अपडेट के बारे में, तो सबसे पहली अपडेट ये है कि जो बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है 2021 और 23 के लिए, उसका कल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। कल शाम साइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, रिजल्ट नहीं अपडेट हो पा रहा था, नहीं ओपन हो पा रहा था, लेकिन अब साइट ओपन हो चुकी है, आप रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट आ चुका है, आप अब रिजल्ट देख सकते हैं। कल एक या दो घंटे के लिए आपकी साइट प्रॉपरली चली थी, लेकिन उसके बाद में प्रॉपर साइट नहीं चल पाई थी, लेकिन अब साइट प्रॉपरली वर्क कर रही है, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद में बात करें, आप बीएड में जो एडमिशन लेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएड में जो एडमिशन लेंगे उसके लिए बहुत सोच समझ के आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि जो काउंसलिंग, उसके लिए आपका जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसने कौन कौन से कॉलेज काउंसलिंग में बैठेंगे, कौन कौन से कॉलेज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उसकी लिस्ट मांगी है। उसके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजों को आदेश जारी किया है कि वो 30 अगस्त यानी कि दो दिन का समय दिया है, 30 अगस्त तक अपना जो अपने टीचर्स हैं जो उसमें पढ़ाते हैं, टीचर्स का पूरा बायोडाटा मांगा गया है। अभी उसमें से मात्र 45 कॉलेज ही ऐसे हैं जिन्होंने अपना डेटा सबमिट किया है, ऑनलाइन सबमिट किया है। तो साथियों, आपको एडमिशन बहुत ही सोच समझ के लेना है। यदि अपना कॉलेज डेटा सबमिट नहीं करते हैं तो उन कॉलेजों को अपने काउंसलिंग से हटा दिया जाएगा। तो आपको एडमिशन बहुत ही सोच समझ के लेना है। और एडमिशन में ज्यादातर कॉलेज, मैक्सिमम कॉलेज, बड़े से बड़ा कॉलेज 20% 30% 50% तक भी बच्चों को अपनी तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी 50% एडमिशन में छूट आपको दे रहे हैं। तो यदि आपको भी बीएड में एडमिशन लेना है तो उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का नाम से, तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, कहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इससे आगे बात करते हैं, जो हमारा नए सत्र के लिए यूजी के लिए एडमिशन चल रहे थे तो उसमें बच्चे काफी परेशान हो रहे थे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए अब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट कर दिया गया है जिनका इस वर्ष रिजल्ट आया है। यानी कि जिनका इस वर्ष रिजल्ट आया है, उन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, अब उन बच्चों के लिए भी पोर्टल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, वो बच्चे भी अब अपना जो रजिस्ट्रेशन है इस वर्ष के यूजी कोर्सेज के लिए कर सकते हैं। लगभग 25 कोर्सेज के लिए अभी पोर्टल ओपन किया गया है, 25 कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के, तो उसके लिए आपको पोर्टल ओपन कर दिया गया है। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर जिस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।